कहते हैं समाज बिखर रहा है, आपस में लड़ाइयां जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के सागर जिले में साहू समाज में आपस में गृह युद्ध छिड़ा है। बीते दिन हजारों की संख्या में साहू समाज ने भाजपा नेता जगन्नाथ कुरैया के खिलाफ मोर्चा खोला था। कहा था कि ये रंगदार हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, ये युवा वर्ग को चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। बीते दिन बड़ा बाजार के पार्षद अशोक चकिया की गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई। नाम हुआ जगन्नाथ गुरैया का। लेकिन गुरैया जी ने यह अब सागर एक्सप्रेस न्यूज से बातचीत करते हुए बताया है कि शायद इस मामले में जांच की जरूरत है। सच क्या है, जांच होना चाहिए, कहीं गुरैया के खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही। आमने सामने हैं और आप पे आरोप लग रहे हैं, मारपीट के भी लगे, और ये कहते हैं कि ये ट्रस्ट पे कब्जा करना चाहते, क्या है सच्चाई पूरी? ये सब झूठ बात कर रहे हैं। 2019 में इन लोगों ने एक जबरदस्ती चुनाव करके अघोषित एक ट्रस्ट बना ली, जबकि ट्रस्ट ऑलरेडी बनी हुई थी, हम लोगों की थी, जिसका कार्यकाल 2023 में फरवरी में समाप्त होना था। इसके विरोध में जब ये एसडीएम कोर्ट गए, एसडीएम में नाम चढ़वाना था इनके, उसके खिलाफ उनके नाम आज तक भी एसडीएम कोर्ट में नहीं चढ़े। उसका एसडीएम कोर्ट के यहाँ वो चला मुकदमा, उस मुकदमा का जब फैसला आया कि उनने एसडीएम साहब ने ना हमें ट्रस्ट माना ना उनको ट्रस्ट माना, और दोनों ट्रस्ट भंग करके नए चुनाव के आदेश दिए, तो भाई लोग उस ट्रस्ट उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। इनको ट्रस्ट के चुनाव कराना चाहिए। जब युवा मंडल जिसका कि कालकाल 2025 तक है, उसके चुनाव की बात कर रहे हैं, जबकि ट्रस्ट के चुनाव होना चाहिए। ट्रस्ट के चुनाव हों और जो भी निष्पक्ष होकर प्रशासनिक नज़र में वो हो, प्रशासन की मौजूदगी में चुनाव हों, और जो चुनाव जो अध्यक्ष बनकर आता है हम उसको साहस स्वीकार करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, और हम अपना कारोबार उसको सौंप कर हम फ्री होंगे। हम कतई अध्यक्ष नहीं रहना चाहते, ना कतई ट्रस्टी बनना चाहते, सिर्फ समाज की सेवा आदि करेंगे तो पीछे रहकर करेंगे, वरना हमें कोई ऐसा शौक नहीं है कि अध्यक्ष ही बने। गाड़ी फोड़ने को लेके भी आरोप लग रहे हैं। ये जबरदस्ती गाड़ी फोड़ने के जो आरोप हैं, ये आप हम तो कहते हैं कि वहाँ सीसीटीवी लगी हुई है, आप जांच करा रहे हैं, जिनने भी तोड़े हों उस पर मुकदमा कायम करें। चूँकि हमारा व्यक्तिगत अशोक चकिया से विरोध चल रहा है, यह खुद ही कांच फोड़ का एक प्रोपेगेंडा रचकर हमें हमारे राजनीतिक कैरियर पर दाग लगाना चाहता है, इस उद्देश्य से उसने यही व्यूहरचना रची। जगन्नाथ गुरैया का दावा है कि साहू समाज का खुली मन से प्रशासन के पहरे में चुनाव होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये भी सौगंध खाता हूँ। तो फिर न्यायालय का सम्मान करते हुए साहू समाज को चुनाव लड़ना चाहिए, इसमें देरी किस बात की है और क्या साजिश है, क्या राजनीति है, साहू समाज ही बताए। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी व हिंदी माध्यम सभी कक्षाओं में फ्री एडमिशन सुविधा एवं संस्कृत बोर्ड से भी फॉर्म भरें तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता खुरई रोड भागोदय अस्पताल के पास सागर।